हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका घुमक्कड़ बनारसी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका घुमक्कड़ बनारसी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक नए ब्लॉग लेके आए हुए हैं। इसमें हम चलेंगे, आज आपको दिखाएंगे गंगा किनारे मान मंदिर घाट। दोस्तों, मान मंदिर घाट में बना हुआ वर्चुअल म्यूजियम आपको इतना सुशोभित करेगा, इतना अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा। दोस्तों चलिए, अब हम आपको आगे चल के दिखाते हैं मान मंदिर घाट। चलिए दोस्तों, अब आपको एक शानदार वर्चुअल म्यूजियम आपको दिखाएंगे। उत्तरी प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही सामने दीवार पर बनारस के घाटों का विहंगम दृश्य उपस्थित करने वाले 3D म्यूरल दिखेगा। इस म्यूरल को प्रसंग अनुरूप रंगीन LED से सजाया गया है, जबकि दरवाजे के बाईं ओर पौराणिक काशी कामांचित दाहिनी ओर 1.5 फुट चौड़ी और 3 फुट लंबी स्क्रीन पर शिवलिंग के दर्शन होंगे। दोस्तों, लॉबी में दाहिनी ओर अर्धचंद्रका बनारस की प्रतीक स्क्रीन लगाई गई है। करीब 20 फुट लंबी और 3.5 फुट चौड़ी इस स्क्रीन पर 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म के जरिए बनारस के हजारों वर्ष पुराने इतिहास के से वर्तमान तक की चर्चा होगी। इस दौरान स्क्रीन पर काशी की महान विभूतियों, पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की तस्वीरें भी उभरेंगी। इसको देखकर दोस्तों मज़ा आ जाएगा। आगे बढ़ते ही दोस्तों बनारसी पान भंडार दिख गया। सिर्फ जो व्यक्ति है को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें आवासीय थीं। और ये देखिए, गलियों से होते हुए में शतरंज खेलते हुए बुजुर्ग जैसे लग रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक छोटा सा ऑडिटोरियम है जहाँ पे फिल्मों का दृश्यांकन यानी कि बनारस की सारी छवियों को दृश्यांकन कराया जाता है। क्योंकि शो टाइम अभी समय था तो हमने सोचा कि अभी आगे आपको और दिखा देते हैं, फिर कभी किसी दिन रहेगा तो आपको इसके अंदर का सीन दिखाया जाएगा। चलिए चलते हैं आगे दोस्तों। आगे बढ़ते ही दोस्तों बनारस का साहित्य और पत्रिका दिख गया। यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी से लेकर के तुलसीदास तक सभी के चित्रों का चित्रण हुआ है दोस्तों, ये देखिए। फिर उसके बाद दोस्तों दीवारों पर भी चित्रों का चित्रण देखिए, कितना खूबसूरती से दर्शाया गया है। तुलसीदास जी से लेकर सभी महान विभूतियों का वर्णन किया गया है। साहित्य और पत्रिका भी का भी यहाँ दर्शाया गया है बनारस के जो भी महान महान विभूति हुई हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही मेक इन बनारस यानी कि मेड इन बनारस, बनारस में बनी हुई चीज़ें, ये देखिए। बनारस में जो हथकरघा में यूज होता है उसके औजार। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो रेशम के धागे और बनारस की साड़ियाँ देखिए दोस्तों। साइड में बनारस की साड़ियों का भी प्रदर्शन किया गया है और बगल में एक चलचित्र भी चल रहा है जहाँ पे बनारस के साड़ियों कैसे कैसे बुनाई होती है वो दिखाया गया है। और आगे बढ़ते ही दोस्तों एक मानचित्र बना हुआ है जिसमें सिल्क रूट दिखाया गया है। और आगे भी हम लोग बढ़े तो वहाँ पर देखें साहित्य और पत्रिका में देखिए, ये वर्चुअल है दोस्तों, वर्चुअल बुक है और जहाँ पे आपको हर एक चीज़ का चित्रण बहुत खूबसूरती से दिखाया जा रहा है। मज़ा आ गया दोस्तों देख करके। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही बनारस की शान आन बान शान संगीत वो दिख गया, जिसमें दीवारों पे सारे गामा पादा निशा सारे धुनों का चित्रण बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया दोस्तों, ये देखिए। और बगल में सितार, संतूर और बगल में दोस्तों चलचित्र चल रहा है जिसपे बहुत खूबसूरती से बनारस के संगीत को दर्शाया गया है। तबला से लेकर के हर एक चीज़, यहाँ सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल आपको दिख रहे होंगे, शहनाई वादक। जी हाँ दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए स्क्रीन पे महादेव जी और पार्वती जी यानी कि शक्ति स्वरूपा सबको दर्शाया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही फिर से हम उसी ऑडिटोरियम से होते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी भी यहाँ पे समय बाकी है। आगे बढ़ते ही दोस्तों हमें अग्नि रूप दिख गया, यानी कि यहाँ पे अग्नि को कैसे प्रदर्शित किया गया है उसके बारे में सब कुछ आपको बताया जाएगा। अग्नि का क्या महत्व है और अग्नि से क्या क्या हो चीज़ें हो सकती हैं, कितनी खूबसूरती से बुलाई है अग्नि को प्रदर्शित किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं आगे आपको क्या दिखता है, आपको चलिए आपको दिखाते हैं।
आगे बढ़ते ही हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पे बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं। स्क्रीन पे बनारस का मानचित्र, बनारस की कल्चर, हर एक चीज़ को यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। और उसके बाद दोस्तों जैसे हमें आगे बढ़ा, हमें आयुर्वेदिक यानी कि शल्य चिकित्सा वगैरह सारी चीज़ें वहाँ दिखने स्टार्ट हो गए। ये देखिए दोस्तों दीवारों पे कितनी खूबसूरती से उभेरा गया शल्य चिकित्सा, और शल्य चिकित्सा में उपयोग किए गए औजार प्राचीन काल में दोस्तों चरक संहिता में इसके बारे में बहुत सारा वर्णन किया गया है। शल्य चिकित्सा, इसके लोग ऑपरेशन वगैरह जो पहले ज़माने लोग इसी के थ्रू करते थे। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे दोस्तों ये आयुर्वेदिक औषधियाँ आपको दिख जाएंगी, कौन कौन सी औषधियाँ यूज होती हैं वो सारी औषधियों का यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। फिर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हम बढ़ते ही हमें मुक्ति धाम दिख जाता है। मुक्ति धाम को भी कितनी खूबसूरती से दोस्तों इन्होंने प्रदर्शित किया हुआ है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते ही एक बड़ी सी लॉबी दिख जाती है, बड़ा सा लॉबी, बड़ी खूबसूरत जगह, जैसे लगता है मानो किसी फिल्म का चित्रण यहाँ किया जा सकता है, बहुत ही खूबसूरती से दोस्तों। और दीवार के उस साइड में दोस्तों गंगा जी का दृश्यांकन आप कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते ही हमें यहाँ पे हथकरघा यानी कि हैंडलूम दिख गया। हैंडलूम के द्वारा दोस्तों बनारसी साड़ी वगैरह कपड़ों, जो बनारस का जो मेन चलन था, बनारस की साड़ी जिस पर फेमस है वो हैंडलूम पे ही बनाया जाता है दोस्तों। इसमें बनाने में बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। आज आप लोगों ने अगर हैंडलूम नहीं देखा हुआ तो यहाँ देख लीजिए हैंडलूम कैसे कार्य करता है और क्या इसमें टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, ये देख लीजिए दोस्तों। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक, चलते हैं हम लोग आगे। अगर ये वीडियो दोस्तों पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गोदोलिया चौक पे बना हुआ मल्टी स्टोरी पार्किंग का दृश्यांकन आप कर लीजिए दोस्तों। और वहाँ से हम लोग निकलने के बाद पहुँच गए रथ यात्रा।